अस्सलामुअलैकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे ट्राउज़र के पांच का न्यू डिज़ाइन। ये मेरे पास जेपी है, 7 इंच इसकी लेंथ है, तकरीबन 19 सेंटीमीटर लेंथ है, और चौड़ाई जेपी की मैंने 6 सेंटीमीटर ली है। जेपी ये डबल है। अब इसके अंदर से 2 सेंटीमीटर चौड़ाई में रखकर बाकी जेपी मैंने कट कर दी है। ये वो कपड़ा है जो ट्राउज़र की लेंथ से निकला है, इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है जेपी को। साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब ये ट्राउज़र का बिल्कुल दरमियान है, आप चाहें तो ये डिज़ाइन ट्राउज़र के सामने साइड पर बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है और किनारे पर 2 कट लगाकर इसे सीधा कर लिया है। हाँ जी, तो ये है जी अलग से कपड़ा जो ट्राउज़र की अंदर की कटिंग से निकला है। 2 इंच चौड़ाई में इसके अंदर से मैंने मगजी कट करके उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। नीडल के अंदर है जी डबल धागा, उल्टी साइड नीडल की मगजी के अंदर की तरफ डालकर हल्के हाथों से अपनी तरफ खींच कर मगजी सीधी कर लूँगी। अब ये जो मगजी है इसके अंदर से 9 सेंटीमीटर के पीसेस कट कर लिए हैं। दरमियान से ये फोल्ड होंगे पीस इस तरह से। अब ये मेरे पास डोरी है, ये आम डोरी है, इसके अंदर से मैंने 12 सेंटीमीटर के पीसेस कट कर लिए हैं। अब ये जो कट किए हैं इसके कॉर्नर से इसके धागे निकलेंगे, तो आप इसकी जगह पर निडल के साथ इनको पका कर सकते हैं। अब ये जो इसके किनारे हैं अपनी जगह पर बैठ गए हैं, 2 गिरा लगा लिए हैं मैंने किनारे पर, और ये हो गया है जी इसका रिंग तैयार। अब इसको अंदर की तरफ पकड़ के, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप निडल के साथ कर सकते हैं। अब जो मैंने डोरियां तैयार की थी इस तरह से इसके अंदर डालकर निडल के साथ किनारों से इसे पका कर लूँगी। ये जो धागा है सीधी साइड पर नज़र नहीं आना चाहिए। अब सेम ऐसा ही इसकी दूसरी साइड पर करना है। आप चाहें तो एक साइड की डोरी बनाकर सिर्फ इस तरह ही डिज़ाइन ट्राउज़र के पांचे पर लगा सकते हैं। दूसरी साइड पर डोरी ना लगाएं, नीचे की तरफ जैसे हम लटकन लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन लग सकता है। एक साइड के ट्राउज़र के पांचे पर मैं 4 लगाऊंगी। आप ये डिज़ाइन स्लीव पर बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हाँ जी, तो सिलाई लग गई है दोनों साइडों पर। दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से इसकी तैयार कर ली है। नीचे से जो ट्राउज़र है उसकी मैंने लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये है जी डिज़ाइन। अब नीचे से मैं सिलाई लगा लूँगी, आप चाहें तो हैंड स्टिच कर सकते हैं इस तरह के डिज़ाइन के ऊपर।